भाई जो लोग भी ना जो लोग भी आदि पुरुष मूवी के खिलाफ जाते हैं, आदि पुरुष मूवी की कोई क्रेज नहीं है, कोई बस नहीं है, आदि पुरुष एक फ्लॉप मूवी होने वाली है, एक डिजास्टर मूवी होने वाली है, कुछ भी नहीं है आदि पुरुष मूवी का बोल करके जो लोग भी कहते हैं, जो लोग प्रभास के पीछे पड़ जाते हैं कि प्रभास एक फ्लॉप हीरो है वगैरह वगैरह, उन लोगों के लिए मैं ये जवाब वाला वीडियो बनाया हूँ। एक्चुअली गाइस, आपको पता है पिछले 90 दिन से 3 महीने से YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाली टॉपिक क्या है? आदि पुरुष ट्रेलर सबसे ज्यादा। और अभी आप सोचो कि 3 महीने पिछले 90 दिन के पास चले जाओ आप, पिछले 3 महीने के पीछे चले जाओ आप, और जरा सोचो कि 3 महीने पीछे क्या क्या हुआ था। जवान का क्या क्रेज था, सलार का क्या क्रेज था, पठान का क्या क्रेज था, लेकिन वो सारे फिल्म के बीच भी आदि पुरुष की ट्रेलर की चाह सबकी रही है, सबकी रही है। जो कि अभी YouTube मेंशन किया है कि पिछले तीन महीने से आदि पुरुष ट्रेलर ही सबसे सर्च करने वाली टॉपिक रही है। मैं यहाँ पे पूछता हूँ आप लोगों को, जो लोग भी आदि पुरुष मूवी के पीछे जाते हैं, आदि पुरुष मूवी को देखना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा आदि पुरुष के खिलाफ ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो लोग आदि पुरुष की ट्रेलर को क्यों सर्च कर रहे थे? अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो उसको अवॉइड करो, इतना इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? इसका मतलब यह है कि अंदर ही अंदर आप भी बेताब हो आदि पुरुष मूवी को देखने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, जब आदि पुरुष मूवी का कुछ बुरा वक्त चल रहा था टीजर के बाद, और उसकी जो जो डिजिटल राइट्स वगैरह हो गया, जितने भी राइट्स हैं ना, ये मतलब नॉन थिएटिकल राइट्स हो गया, थिएटिकल राइट्स हो गया, ये सारे राइट्स जब मतलब इसकी सोल्ड आउट कीमत वगैरह, उसका सोल्ड आउट नहीं हो पा रहा था, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था ना कि कोई भी किसी भी तरह की राइट्स आदि पुरुष का नहीं खरीद रहा है बोल करके, तो उस टाइम पे ये लोग सब लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आदि पुरुष मूवी के साथ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आदि पुरुष मूवी ऐसा बना ही है कि इसका राइट्स कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो तेलुगु थियेटिकल राइट्स का इतना बड़ा कीमत आया सामने, इतना बड़ा नंबर आया सामने, तो वो भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। उसको भी लोग कह रहे हैं कि 170 करोड़ अगर ये तेलुगु थिएटिकल राइट्स की मतलब कीमत है, तो आदि पुरुष मूवी को 300 करोड़ तक कलेक्शन करना पड़ेगा, 400 करोड़ तक कलेक्शन करना पड़ेगा, और उतना नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हो यार आप लोग, क्या हो, इतने बड़े नमूने आप कैसे बन सकते हो? जब आदि पुरुष का थिएटिकल राइट्स इस ये जो राइट्स वगैरह है जब बेची नहीं जा रही थी, उस टाइम आप कह रहे थे कि आदि पुरुष का राइट्स कोई भी नहीं खरीद रहा है। अगर उस टाइम पे एक छोटी कीमत पे अगर बेचा जाता तो आप लोग कहते कि आदि पुरुष का कोई क्रेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आदि पुरुष मूवी को सब लोग जानते हैं, इतने इतने छोटे छोटे कीमत में आदि पुरुष का ये राइट्स वगैरह बेची बेची जा रही है बोल करके आप बोलते हैं। और अभी जब इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी कीमत में आदि पुरुष की ये जो राइट्स वगैरह बेची जा रही है, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है, इस पर भी आप बोल रहे हो कि इतना कलेक्शन करना पड़ेगा। अरे उतना कलेक्शन कर पाएगा बोल करके जो भी ये राइट्स खरीदा है पीपल मीडिया फैक्ट्री, उसको भरोसा है कि आदि पुरुष मूवी के अंदर वो चीज है, वो बात है, और वो उतना कलेक्शन कर पाएगा, वो क्रेज को देख करके ही उतना पैसा वो लगाया है, उसमें उतने पैसे में वो खरीदा है। ये बात समझ में नहीं आता, क्यों हजम नहीं हो रहा है यार, क्यों हजम नहीं हो रहा है? इतना इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप लोगों को क्यों हजम नहीं हो रहा है? एक इंडियन सिनेमा लवर के हिसाब से सपोर्ट करने से क्या जाता है, मत करो यार। चलो बात करते हैं वही थिएटिकल राइट्स के बारे में। देखो थिएटिकल राइट्स की अगर हम थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करूं, तो गाइस अगर मूवी के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप 5 तेलुगु थिएटिकल राइट्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा RRR मूवी का है ना। दूसरे नंबर पे अभी आदि पुरुष आ चुका है 170 करोड़, तीसरे नंबर पे साहो मूवी है 125 करोड़, और चौथे नंबर पे बाहुबली 2 है 122 करोड़, और पांचवें नंबर पे सैरा रणसिम्हा रेड्डी चिरंजीवी सर का जो कि 115 करोड़। ओके ये तो मूवी के हिसाब से है यार, जो कि RRR एक मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन आदि पुरुष एक सिंगल स्टार फिल्म है। सिंगल स्टार फिल्म के हिसाब से अगर हम देखें तो आदि पुरुष नंबर 1 पे जाता है 170 करोड़। और RRR मूवी की अगर बात करें तो उसमें तेलुगु की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे NTR है, जूनियर NTR है, फिर रामचरण है, फिर SS राजामौली सर जैसे एक डायरेक्टर है, कितने सारे लोग हैं उस फिल्म में, है ना। फिर भी लेकिन अगर हम आदि पुरुष की बात करें तो प्रभास अकेले है, प्रभास अकेले है। और आदि पुरुष का माहौल किस तरह का है? अभी तक आदि पुरुष मूवी को 100% लोग सपोर्ट नहीं कर चुके हैं। मेरे इस वीडियो पे ही आपको नेगेटिव कमेंट देखने को मिल जाएगा,
बाकी बाकी और कहीं जाने को नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी 170 करोड़ में उसकी थिएटिकल राइट्स बेची जा चुके हैं। और कितना क्रेज चाहिए आप लोगों को? अगर सिंगल स्टार की बात करें तो आदिपुरुष नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे साहो आता है, नंबर 3 पे बाहुबली 2 आता है, नंबर 4 पे सेरा नरसिम्हा रेड्डी आता है, और नंबर 5 पे अगेन प्रवास आ जाते हैं राधेश्याम। तो गाइस 5 में से 4-4 फिल्म प्रवास की ही है। और कितना क्रेज चाहिए आप लोगों को? क्यों हजम नहीं हो रहा है? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सच्चाई को आप लोग यार? छोड़ो, आप लोगों की एक्सेप्ट ना करने से किसी का क्या होता है, क्या नहीं होता है। ओके, जो होगा आगे देखा जाएगा। और ऐसे ही करते रहोगे ना यार, तो आप लोगों के गाल पे तमाचा पड़ता ही रहेगा, हमेशा से पड़ता ही रहेगा यार, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। कोई भी फिल्म आता है, अगर जबरदस्त है तो उसको जबरदस्त कहो, क्रेज है तो क्रेज कहो। बेकार में नेगेटिविटी फैला के कोई भी फायदा नहीं है। आप बेकार में हमेशा मतलब शर्मिंदगी ही झेलोगे यार। जिस तरह का माहौल आदिपुरुष अभी बनाया है, अभी तो अपने मुंह को संभाल के रखो, कुछ अच्छा वर्ड बोलो, ताकि आप बाद में कुछ अच्छा बोल सकोगे। नहीं भाई, मुझे भरोसा हो चुका था, कुछ ऐसा बोल पाओगे। अभी से क्यों ऐसा हो रहे हो मेरे भाई? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।